प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के साथ ही मंत्रियों और नेताओं ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में अभी जंग चल रही है। कांग्रेस द्वारा शिमला से भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुरेश कश्यप के कार्यकाल और सांसद निधि के वितरण को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, जबकि सांसद सुरेश कश्यप ने आपदा के समय करोड़ों रुपए की राशि प्रदेश को दी है। बलवीर वर्मा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में पैसा नहीं दिया, 17 के 17 चुनाव क्षेत्र में उन्होंने पैसा दिया, 17 के 17 विधानसभा में दिया, और वो जो पैसा उन्होंने दिया है 19,30,45,000 रुपया शिमला संसदीय क्षेत्र की में उन्होंने दिया। और आपदा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। हमारे सांसद महोदय ने आपदा के बाद 1,74,90,000 रुपया दिया है। और बहुत सारी भ्रम वाली बातें उन्होंने कही है कि एमपी साहब ने आपदा के समय वो क्षेत्र में नहीं गए, ऐसा चुनाव क्षेत्र बताया वो 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र में गए हो, एक बारी नहीं, दो दो बारी, तीन तीन बारी गए हो। बड़ी योजनाएं जो देश के अंदर आती है, कौन से संसद कितनी मेहनत करके वो लाते हैं, वो संसद पर डिपेंड होता है। हमारे माननीय संसद ने, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी बहुत पैसे लाए हैं।